सनसनी ऑफ इंडिया। सरिता विहार इलाके में नाबालिग की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में मृतक लड़की की मां के लिव इन रिलेशन पार्टनर 32 वर्षीय शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला रिश्तों में उलझा हुआ है। पूछताछ में मृतका की मां आरोपी को गोद लिया हुआ बेटा बता रही है, जबकि आरोपी खुद को मृतका की मां का प्रेमी बता रहा है। आरोपी ने बताया कि रुखसार अक्सर ही पास में रहने वाले किसी रिश्तेदार से फोन पर लंबी बात किया करती थी, जो कि उसे पसंद नहीं था। वारदात वाले दिन भी लड़की फोन पर लंबी बात कर रही थी। दोनों के बीच बहस हुई तो उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। नाबालिग ने भी पलटकर थप्पड़ जड़ा तो गुस्से में आकर उसने किचन से चाकू लाकर गला रेत दिया और मकान में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया था। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांड्या ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 2:19 पर थाना सरिता विहार में जसोला स्थित जनता फ्लैट्स में एक लड़की की हत्या की कॉल मिली। तुरंत ही मौके पर सरिता विहार थाना पुलिस टीम पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। मृत लड़की की शिनाख्त 16 वर्षीय रुखसार के तौर पर हुई। पूछताछ में लड़की की मां रेशमा ने बताया कि वो मेड का काम करती है और सुबह ही घर से निकल गई थी। घर में उसकी बेटी रुखसार और उसका मुंह बोला बेटा शान मोहम्मद रह गया था। वो घर लौटी तो बाहर से ताला लगा था। अपने मुंह बोले बेटे शान मोहम्मद को कॉल किया तो उसने संदिग्ध जवाब दिया। ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया तो भीतर उसकी बेटी रुखसार की खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। युवती की मां ने बताया कि शान मोहम्मद नामक युवक बीते 10 साल से उसके साथ रह रहा है। वो नशे का आदि भी है, लेकिन आज वो यहां पर नहीं है। उसने आशंका जाहिर की कि शान मोहम्मद हत्या कर सकता है, जिसके बाद पुलिस ने सरिता विहार थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। DCP साउथ ईस्ट ईशा पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि SHO राकेश कुमार शर्मा की देखरेख में बनी पुलिस टीमें शान मोहम्मद की खोजबीन में जुट गई। CCTV कैमरों की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने शान मोहम्मद को उत्तराखंड फरार होने से पहले दबोच लिया। पूछताछ में शान मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि वह रेशमा के साथ 2013 से लिव इन में रह रहा था। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि आरोपी मृतका की मां रेशमा के साथ लिव इन में रह रहा था। वो शराब पीने का आदि है, जिस वजह से रेशमा और रुखसार से अक्सर झगड़ा होता था। रुखसार अक्सर उसकी बेइज्जती करती थी। पूछताछ में मृतका की मां आरोपी को गोद लिया हुआ बेटा बता रही थी, जबकि आरोपी खुद को मृतका की मां का प्रेमी बता रहा है था। आरोपी ने बताया कि वारदात वाली सुबह जब रेशमा काम के लिए चली गई तो उसने नशा किया। इस दौरान रुखसार घर में ही थी। उसने रुखसार को किसी काम के लिए 2-3 बार बोला, लेकिन रुखसार ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। आरोपी ने बताया कि रुखसार अक्सर ही पास में रहने वाले किसी रिश्तेदार से फोन पर लंबी बात किया करती थी, जो कि उसे पसंद नहीं था। वारदात वाले दिन भी लड़की फोन पर लंबी बात कर रही थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, जिसके दौरान शान ने रुखसार को थप्पड़ मार दिया। बदले में रुखसार ने भी शान को चांटा जड़ दिया। इसके बाद शान ने रसोई से चाकू उठाया और रुखसार का गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करके घर में ताला लगाकर भाग गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।